बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो मां बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हस्ती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। चाहता हूं तो ये दुनिया को बदल दूं, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती, दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। हरिवंश राय जी बच्चन। कई बार चंद ही पंक्तियों में एक कवि जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए ऐसी चीजें हमें दे जाते हैं जो शायद हजारों किताबों में नहीं मिल पाती। तो ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, आशा है कि आपको भी पसंद आई होगी। हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखी गई।